मैं हूं डॉक्टर मजबारी स्वयं करता हूं आप सब लोग खैर से होंगे अल्लाह ताला तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत फरमाएं आज हम शुरू करेंगे अपना नवमां से बुरजे कौस कहा जाता है इंग्लिश में इसको सेकटेरियस कहते हैं और इनके लिए देखेंगे जनवरी दो कैसा रहने वाला है इनके जो हॉरस्कोप है उसमें स्टार की पोजिशन क्या रहेगी तो शुरू करने से पहले आ, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको खुश आमदेद कहता हूं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके और ये जो प्रडिक्शन हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी या इसको सीडीरियल एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं उस बेसिस पर हैं और अगर आपका असेंडन यानी लगन या ताले बुर्ज आपका अगर ये सीडीरियल कैलकुलेशंस uh, के मुताबिक है तो ये प्रडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी और अगर आपको इस हवाले से uh, मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पर डेट मैंशन कर दूँगा तो अगर आपकी पैदाइश उस डेट के दौरान हुई है तो फिर भी ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी uh, की कैलकुलेशन के मुताबिक आप नहीं देखेंगे क्योंकि इनके और सीडीरियल कैलकुलेशन में डिफरेंस होता है तो ये प्रिडिक्शन फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी तो इस मंथ के अंदर जो हमारे सामने चीज़ें रहेंगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखें कि मार्स और सन जो है ये आपके असेंडेंट के अंदर मौजूद हैं मार्स और सन का यहाँ पे असेंडेंट में मौजूद है ना आ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाँचवें घर का मालिक और नौवें घर का मालिक आपके ताले के अंदर मौजूद हैं यहाँ पर एक राजयोग बना हुआ है ये बहुत अच्छा बहुत ही पॉजिटिव कम्बिनेशन रहेगा आप भुर्जे कॉस्ट वाले अफरा के लिए इनकी लक इनकी एक्स्ट्रा अनिंग रिसोर्स इनके फॉरेन में ट्रैवल इस हवाले से ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन कम्बिनेशन रहेगा सबसे पहले अगर हम देखें तो इनकी तालीमी मामलों के हवाले से एक अच्छा टाइम पीरियड और तालीमी मामला के अंदर कामयाबियाँ अपॉर्चुनिटीज़ एडमिशन मिलना ये चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी और अगर हम देखें आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें मुझे बहुत बेहतर नज़र आती हैं आपके रिलेशनशिप ग्रो करेंगे न्यू रिलेशनशिप बिल्ड हो सकते हैं बेहतरी आएगी प्रॉस्पेरिटी आएगी और इस ये आपका रिलेशनशिप मैरिज के अंदर भी तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसी खातन जिनकी प्रेगनेंसी जनवरी के अंदर होनी है तो उनके लिए भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें ये नज़र आ रही हैं कि ज़्यादातर उनको औलादे नरीना की जो है वो खुशखबरी सुनने को मिल सकती है यानी कि मेल चाइल्ड होने के ज़्यादा इम्कान नज़र आते हैं और ऐसे अफराद जो फॉरेन में ट्रैवल वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से उनको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है या वीज़े में ऑब्जेक्शन आ रही है इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनके लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा स्पेशली 15 जनवरी तक का जो टाइम पीरियड है तो बहुत अच्छा है इस टाइम पीरियड में वीज़े के लिए अप्लाई करना डॉक्यूमेंटेशन करना फॉरेन में ट्रैवल वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना हायर एजुकेशन के लिए अपनी जो रिसर्च थीसिस है उसको सबमिट करना ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा पॉजिटिव रहेगा अब हम बात करते हैं आपके माली मामला माली मामल का मालिक जो है वो सैटर्न सैटर्न सेकंड और थर्ड का, का माइंड लॉर्ड है और थर्ड हाउस में बैठा है यानी कि माली मामला से रिलेटेड आप इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें आपको कामयाबी होगी माली मामलों के अंदर बेहतरी ग्रोथ डेवलपमेंट इस तरह की सिचुएशन आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स के अंदर इसी तरीके से आप सो, सोशल वर्क कर सकते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे अब हम बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर प्रॉपर्टी सेल परचेज कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर हम बात करें अगर इसको पर्सनली आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोहतात होकर प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंटेशन है लीगल उसके जो कागजात हैं उसकी जांच पड़ताल करने के बाद इसको करें क्योंकि यहाँ पर राहु ऑलरेडी मौजूद है तो किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम्स जो है उसकी इंडिकेशन हो रही है अब हम बात करते हैं आपके मैरिज के हवाले से मैरिज के हवाले से देखें तो आ, मरकरी जो है यहाँ पर मौजूद होगा यकम से 9 जनवरी तक ये आपके बारहवें घर में मौजूद होगा तो यहाँ पर आपको बिज़नेस के हवाले से थोड़ा सा मुहतात रहना है इस टाइम पीरियड में बिज़नेस करना बिज़नेस के अंदर आप पार्टनरशिप करना या न्यू बिज़नेस का स्टार्टअप करना यह किसी भी तरीके से आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा इसमें नुकसान हो सकता है इसलिए इन चीज़ों से बचें और मैरिज करने वाले अफराद या कोई रिश्ते के हवाले से अगर हम देखें तो उनको भी मोहतात रहना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में किसी तरह का कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट मत करें निकाह मत करें रिश्ता तय करेंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम आएंगे शादी करेंगे तो उसमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा इसलिए कोशिश करें कि आप दस जनवरी के बाद इन चीज़ों को करें और आठ से दस जनवरी का जो टाइम पीरियड होगा वो कमरदर अक्रब का टाइम पीरियड होगा इंतहा नहस टाइम पीरियड माना गया है कोई भी अच्छा काम करना इसमें बेहतर नहीं माना गया जैसे आपकी शादी कारोबार कोई मुलाजमत ज्वाइन करना है ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा तो इस चीज़ से आपने बचना है इस टाइम पीरियड को आपने छोड़कर बाकी टाइम पीरियड में आप ये चीज़ें कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं आपकी अगर कैरियर की बात करें तो केतु ऑलरेडी आपके दसवें घर में मौजूद केतु का यहाँ पर होना आपको कैरियर के हवाले से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ेगा कैरियर के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स रहेंगे स्पेशली यकम से 9 जनवरी तक यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुताहत होकर चलना पड़ेगा ऐसे अफराद जो सर्विस प्रोवाइडर हैं एनालिटिक्स से रिलेटेड हैं स्टेटिक्स से रिलेटेड हैं आ, उनको बहुत ज़्यादा मुतात रहना पड़ेगा और रीडिंग राइटिंग का काम करते हैं और साइनिंग अथार्टीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मुतात होकर चलना पड़ेगा लेकिन जैसे ही ये आ, दस जनवरी से ट्रांजिट करेगा आपके फर्स्ट हाउस में और आपके सेवेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट देगा यहाँ पर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी आपके बिज़नेस के हवाले से आपकी मैरिज के हवाले से आपके कैरियर के हवाले से आपके जॉब के हवाले से बहुत ही अच्छी बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आ, होती हुई नजर आ रही है अब हम बात करते हैं आपके अर् आर, अर्निंग रिसोर्स एक्स्ट्रा अर्निंग रिसोर्स रिमोट जो ऑफ आप सेकेंडरी आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके हवाले से देखें तो वीनस यहाँ पर उन्नीस जनवरी तक आपके बारहवें घर में रहेगा यहाँ आपको आ, बहुत ज़्यादा अखराजात से वास्ता पड़ेगा और मेडिकली हॉस्पिटलाइजेशन की सचुएशन पैदा हो सकती है और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पेट से रिलेटेड अमराज ये हो सकते हैं यहाँ पर पैसे का ज़्यादा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है इस हवाले से इन चीज़ों को जहन में रखिएगा और 20 जनवरी से ये आपके एसेंडेंट में आएगा लगन में आएगा यहाँ पर बहुत अच्छी सिचुएशन पॉजिटिव चीज़ें क्रिएटिविटी और अपॉर्चुनिटीज़ का पैदा होना बिजनेस के हवाले से आपकी मेरेट लाइफ के अंदर चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी बेहतरी की तरफ जाएंगी तो इस हवाले से ये चीज़ें इस मंथ के अंदर ज़्यादा इसकी इंडिकेशन हो रही है तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें अगर आप पर्सनल हारस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट डब्ल्यू पर बुक अपॉइंटमेंट के नाम से एक फॉर्म बनाया हुआ है उसको आप फिल करें वो पेड सर्विसेज हैं तो वहाँ पर तमाम प्रोसीजर दिया गया है वो आप उसको उस सवाले से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अदरवाइज़ आपको इस वीडियो से भी फायदा हो सकता है उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अपना ख्याल रखिएगा खुदाफ़ी